ਹੋ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਸੰਗੀਤ एक ऐसा रंग जिसके बिना जिंदगी के सभी रंग फीके हैं, और बात जब सूफी रंग की हो और खासकर सूफी स्पैरोज की हो तो क्या कहने। आइए चलते हैं सूफी स्पैरोज के पास और जानते हैं ये बहुत ही यूनिक सा टाइटल उन्हें कैसा मिला। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली ऐसे बैठे हुए थे तो जस्ट अनूप जी आए और अनूप जी ने मुझे पूछा कि आप कुछ सुना दो। मैंने सुनाया, फिर सडनली बिकॉज उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि क्या आप भी गाती हैं। हम लोग उनसे उस दिन फर्स्ट टाइम ही मिले थे, उन्होंने पूछा आप भी गाती हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं गाती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ ज़रूर घर पे, बिकॉज कभी होता ही ना, हर एक इंसान को शौक होता है गुनगुनाने का। तो उन्होंने कहा आप भी सुना दो कुछ, तो आई वॉज अ लिटिल शाय, तो मैंने कहा कि नहीं मैं साथ में सुनाऊँगी इसके। तो उन्होंने कहा ठीक है दोनों मिलकर साथ सुना दो। तो हम लोगों ने यही वाला गाना जो अभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरती से गाया उसको, यही गाना हमने उनको सुनाया, और ये ऑल ऑफ सडन उनके दिमाग में आया कि बस मुझे यही चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इकट्ठे गाओ, साथ में गाओ। फिर उन्होंने क्या प्लान किया क्या किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमें उसका ये रिजल्ट मिला कि उन्होंने हमें नाम दिया सूफी स्पैरोज, टाइटल मिला सूफी स्पैरोज। तो चलिए मैंने तो गाना गुनगुनाया निहायत ही बेसुरा भी मैं कह सकती हूँ अपने दर्शकों को, तो चलिए सीधा चलते स्पैरोज। स्पैरोज कहना भी गलत है यार, आप लोग बहुत खूबसूरत गाते हैं नाइट एंगल, तो हमारे लिए हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा दीजिए। हम यही वाला गाना गाते हैं जो आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया। ओ दिल पहला पावे बिना ले डुब डुब जावे, ओ दिल पहला पावे नाल डुब डुब जावे, ओ मैं ते जान के सूली चढ़िया, ऐसिया निगाहां तेरे नाल लड़िया, ऐसिया निगाहां तेरे नाल लड़िया। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो इंडिया की स्पैरोज है अपेरेंटली इन्होंने पाकिस्तान में भी झंडे गाड़े, तो वो मतलब कैसे हुआ कि आपकी वीडियो तुरंत वायरल हुई एंड अपेरेंटली आपको पाकिस्तान से बकायदा कॉल आया था एंड यू आर इंटरव्यूड देयर, तो उसके बारे में कुछ। ऐसा हुआ था कि इस गाने को पहले गाने का इस तरीके से हुआ था कि अनूप जी ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो बना के पाकिस्तानी ट्रैक। नॉर्मली वैसे भी हम लोग वीडियोज़ बना के हम लोग कुछ ऐसे ही घर में जस्ट के ओके आज कुछ मूड कर रहा है तो आज रिकॉर्ड कर लो, कभी कभी हमारा मूड नहीं करता तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, तो कभी कभी करता है तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सडनली उनका फ़ोन आया कि डू सम पाकिस्तानी ट्रैक और देख से अपलोड करते हैं, जस्ट लाइक दैट जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग करते हैं। तो हमने अपलोड किया और उसके 4-5 days में वी जस्ट रियलाइज दैट द वीडियो हैज गॉन वायरल। नॉट 4-5 days, आई थिंक सो 3 days, एंड समबडी कॉल अप, कोई मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे कॉल मी इन द नाइट एंड दे सेड के अरे तुम्हारा नया गाना जो है ना, मैंने कहा वो हमारा गाना नहीं है, इट्स अ पाकिस्तानी ट्रैक, जो भी है वो कह रहे हैं इट्स अ सुपर ट्रैक, और जितने मेरे कोलीग्स हैं ये हैं वो हैं सब इतना पसंद कर रहे हैं, तुम्हारी बातें हो रही हैं सब जगह, और वो कहीं बाहर से फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उनको जनरली बात की हमारा एक नेक्स्ट ट्रैक आने वाला है वो सुनना आप। पर नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट अ मैसेज, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, इट वॉज जियो न्यूज़ चैनल, उनमें राबिया आनम, उनका मुझे मैसेज आता है कि वी वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू। तो मैंने अनूप जी को फटाफट से फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि अनूप जी ऐसे ऐसे आया तो आप उनसे बात कर लो, आई हैव फॉरवर्ड योर नंबर। तो उनसे जो भी उनकी बात हुई एंड द सेम इवनिंग आफ्टर फ्यू आवर्स शी टुक आवर इंटरव्यू ऑन स्काइप एंड जस्ट हैपेंड। तो अपेरेंटली मेरी तो आपसे एक चॉइस है, मैं चाहती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को आप एटलीस्ट वो गाना सुनाएं अल्लाह हू द बेस्ट, तो अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहु 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 ओ ये जमी जब ना थी ये जहां जब ना था ओ ये जमी जब ना थी ये जहां जब ना था ओ चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था तब ना था कुछ यहां तब ना था कुछ यहां मगर तू ही तू अल्लाहु 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 थैंक यू सो मच न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आने के लिए. जाने से पहले क्या बोलना चाहोगे दर्शकों को सूफी के बारे में, एक प्यारा सा मैसेज? हम लोग बस यही बोलना चाहेंगे कि सूफिज़्म को आप लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्यार देते हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा प्यार दें और ताकि सूफिज़्म को हम लोग पूरे वर्ल्ड में फेमस कर सकें. हमारे इस जो हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है ये संगीत, हम इसको पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में हम लोग फेमस कर सकें और इसी तरीके से बस हम आपके लिए गाते रहें और आप हमें प्यार अपना देते रहिए. Keep loving, keep supporting Sufi Sparrows. तो रूप को और डॉली को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. कैमरामैन निशांत के साथ मैं श्वेता खंडेलवाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया.